पहले हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सब आप ही ने मुझे लिख के दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। अब नहीं। लाइट जल गई है। देखो हमारे देश के इतने बड़े झूठे नेता लाल लाइट की गाड़ी में घूमने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आदमियों के खून से अपने हाथ रंगे होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो सर? मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सॉरी सर। गुड। अरे सॉरी क्यों बोलूँ तुझे? मोटे गेंडे हिप्पोपोटामस नाम है भोला लेकिन है अफर तो भोला। पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में भिजवा दूंगा, सड़वा डालूंगा पागल खाने में। अरे तू क्या सड़ाएगा मुझे सड़े हुए? आलिया चलो उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे सड़े हुए अंडे फेंक के मारूंगा तुझे और एक भी मिस नहीं करूंगा। रॉकी तुम पागल हो गए क्या? Have you gone mad? हो क्या? What are you doing? पता नहीं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, क्या कुछ और रहा हूँ। अभी प्लीज माफी मांग। अरे शट अप छिपकली, याद है वो बिकनी? सबके सामने पहनाकर इसी स्टेज पे नचवाऊंगा। रॉकी इतनी पब्लिक है उनका तो लिहाज करो। पब्लिक? अरे ताली मारने वाले हिजड़े हिजड़े। क्या बोल रही है? अरे रॉकी तुम पागल हो गए? हिजड़े बोलते? इस लड़के ने हमारे बेइज्जती की मैंने बर्दाश्त कर लिया लेकिन मैं जनता जनार्दन की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो गए हो क्या? झूठ बोल रहा है। ये क्या बकवास है? तुम लोग वहीं खड़े रहना। ए मंत्री, मैं जानता कि तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है और तू मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। और छिपकली, मैं जानता कि तू मुझे नफरत करने लगी है। और हिजड़ो, मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम लोग मुझे पटक पटक के मारने वाले हो, इसलिए मैं ये नौकरी क्या, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे तू तो दुनिया छोड़ के जा। रॉकी क्या कर रहा तुम? और ये प्लीज चार इंटरव्यू लेके आ गया तो अपने आप को स्टार समझता है? तारीफ सुनने की आदत डाल क्योंकि इस ऑफिस में तुझे मेरी तारीफ के गूंजे ही सुनाई देंगी। मेरा डायलॉग मुझ पे चिपका रहा है, बी ओरिजिनल यार। चल खेलेगा? लगा ले, सेट कर ले, जमा ले। प्लीज एपी, पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना ही इज जलीज चैंपियन, मत खेल। अरे दिल्ली को बिल्ली को या गली को, जीतूंगा तुम्हें ही। टॉस। पता दाए में काली गोरे। टॉस में जीता हूँ, गेम भी मैं जीतूंगा। कैसे हुआ? This is not possible. तूने किया कैसे? अंधी लाल मूंगी अल्बाइनो, देखा नहीं कैसे हुआ? बने तू? एपी का है? जिसे निकाला था वो एपी था, तू एपी नहीं है। Come on Rocky, एपी पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। Loser. चल. Loser. Loser. कारवां निकल गया, आप बॉल ही देखते रह गए। आलिया को देखिए, एक मिनट के लिए एपी का पीछा छोड़ती ही नहीं है। लेकिन मैं एपी का प्रॉब्लम जानता हूँ, वो प्रपोज नहीं कर सकता। मुझे लगता आलिया प्रपोज कर देगी। अच्छा? हाँ। तो मैं आज ही प्रपोज कर देता हूँ। एक काम कर, जब ऑफिस का लंच ब्रेक होगा तू दुल्हन का जोड़ा लेके आ। अभी जाकर अपनी बीवी का ले आऊँ? सेकंड हैंड? हाँ। नहीं, ब्रांड न्यू। शादी का जोड़ा फॉर माय आलिया। 20,000 का जोड़ा आया, इतने में तो इंडिया मोटरसाइकिल आ जाएगी मेरी। दुल्हन का जोड़ा? अरे यार तू ये आलिया तक पहुँचा दे, उसने हाँ कह दी ना तो मोटरसाइकिल क्या, मैं तेरे को गाड़ी खरीदूंगा गाड़ी। ये दे यार। ऊपर वाले अब सब तेरे हाथ में है। वही तो। इधर आ।
किसने भेजा है? जी रॉकी साहब ने। एल यू एस टी फॉर यू। अरे भाई जाओ। हेलो आलिया, मेरा SMS मिला? मिला। और मेरा गिफ्ट भी? हाँ। और आलिया, जब भी तुम मेरे ख्यालों में आती हो तो इन्हीं कपड़ों में आती हो। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, जरूर। फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। शाबाश आलिया, मार मार के सिबरा दिखा लिया। रॉकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना गंदा SMS भेजने की? अच्छा, दिखाओ। जी, इतना गंदा SMS? और जो कपड़े भेजे थे ना, वो और भी गंदे थे। वो दिखाओ। मैंने लव भेजा था, लस नहीं। हाँ हाँ, ये SMS नहीं, कोई चिट्ठी है जो रास्ते में बदल गई। आई शपथ आलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्या समझती थी रॉकी, और तुम क्या निकले? आप पता है आलिया तेरी कितनी तारीफ किया करती थी, लेकिन तू इतना चिचोरा, इतना कमीना, इतना घटिया निकला। गिरगिट। जी, मुझे पता है कि आलिया तुझसे बहुत अपसेट है। तू आलिया को कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी देखेगी नहीं तेरी शक्ल को। नहीं देखेगी दोस्तों, इसलिए माफ कर देती हूँ। इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना। यू गिरगिट। अरे यार, शादी का जोड़ा भेजा था, कोई बिकनी थोड़ी भेजी थी। तो एक काम कर, अब तू बिकनी ही भेज। अरे यार, ये लव लस्ट हो गया, इसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं है। नहीं, हाथ नहीं, पैर भी, सर भी। चल हाथ, बल्कि पूरा के पूरा मैं हूँ इसके अंदर। मेरी एक एडवाइस दे, तू 30-40 साल की छुट्टी ले, घर बैठ के आराम से सोचना, लेकिन आलिया को तू कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? अच्छा बहन जी, अब हम चलते। अरे लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। वो आज हमारा उपवास है। अरे ठीक टाइम पे आ गया बेटा तू। ये अपनी मधु के रिश्ते के लिए आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारा बेटा है अरुण। हाँ हाँ। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो स्टार है भाई। आपको हमारी बहन कैसी लगी? वो हम कुछ दिन बाद सोचकर आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी। नमस्ते। 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 तू फिक्र मत कर, इस बार हाँ ही होगी। सोच कर बताएंगे नहीं, सोच लिया कि दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे, पर इससे नहीं करेंगे, बस। आप कहाँ जा रही हैं? मेरी शक्ल अगर खराब है, इसमें इतने सारे दाग हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तू चल मेरे साथ, मैं तुझे परी बना के लेके आता हूँ। लो जी, स्टार बाबू चल पड़े अपनी बहन को परी बनाने के लिए। एक मिनट स्टार बाबू, ये तो बताओ कि कौन सी फैक्ट्री में लेकर जा रहे हो अपनी प्यारी बहना को परी बनाने के लिए? हाँ, अरे बोलो बोलो बोलो, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या हुआ, पानी लाओ क्या, चाय? अरे पर हुआ क्या है च्यवनप्राश? वो हेलो। यस प्लीज, क्या कराना है आपको? फुल टोटल लुक चेंज करना है, बालों के कलर से लेके चेहरे के दागों तक, फुल डेंटिंग पेंटिंग और स्क्रबिंग करानी है। देखिए, ये तो कुदरती निशान है, इन्हें तो गॉड ही ठीक कर सकता है। गॉड? हमको जितना आता है हम उतना कर देंगे। नो प्रॉब्लम। छोकरी छे, खटारे के पास ये झयम पटाखा कहाँ से आ गई? को तो पटाना है भाई, तुम्हारे गाने देखिए। चलो एपी भैया, नमस्ते, कैसे हैं आप? जुबे, आज बड़ा सुर बदल के बात कर रहे हो। चलो ना भैया, दुकान पे चल के चाय पीते हैं, आप कभी आते नहीं हो।
इन्हें भी ले लो, फोन नहीं है। मेरी बहन है मधु। मधु, अरे पहले कितनी भयंकर दिखती थी, आज कितनी भयंकर लग रही है। चलो ना भैया दुकान में चल के चाय पीते, प्लीज प्लीज। देखिए जरा, अरे नहीं बात इधर कर रहा है, पिटना है, मारखाना है। आज मार पिटाई की बात मत करो, आज प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हाय एपी, अरे ये कौन है? ये मधु है। और वाओ मैडी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। क्यों भाई, तू अपने जाना नहीं गया? जाना तो है, मगर माँ कह रही थी कि शादी करके चले जाना। और अब तुम जरा सोचो, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी तो जिंदगी बन जाएगी ना। अब मैं इतना सोना पहनता हूँ तो उसको कितना पहनूंगा। तेरे लिए मैंने एक लड़की खोज रखी, वो देखो। तू रोडर वो झाड़ू लगाएगी, अच्छी जोड़ी है ना भैया। अपने मोहल्ले की लड़की कहीं नहीं जाएगी, अपने मोहल्ले में ही शादी करेगी और मोहल्ले में ही रहेगी। जब दिल चाहे तो अपनी माँ से मिल सकती है, अपने बाप से मिल सकती है, अपने भाई से मिल सकती है। जी भैया आदेश करें। ये लीजिए माँ। पहचाना इसे? अरे मधु, अरे मेरी बेटी तो सच में परी हो गई, इसे किसी की नजर ना लगे। सारे शहर की नजर लग चुकी है। आप इसे घर में ही रखेगा, नहीं तो पूरा मोहल्ला पिटेगा मुझसे। कितनी प्यारी लग रही है बाबूजी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बाहर मोहल्ले में बहुत नाराज हो रहे थे। कोई मेरी बहन को गंदी नजर से देख रहा था। अब भाई गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम इंसान भी बड़े नाशुक्रे हो। क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन को कोई देख नहीं रहा था तब परेशान थे, अब सारा शहर देख रहा है तभी परेशान। ये देखो छिछोरा कहीं का। अरे आप ऐसे छिछोरे लोग पैदा करते क्यों? भाई मैंने तो इसे इंसान ही पैदा किया था, यहाँ दुनिया में आकर छिछोरा हो गया तो मैं क्या करूँ? अबे यहाँ पे क्या करने आया तू? बल बदलने आया? नहीं वो, नहीं नहीं, खंबा नापने आया। तो बे, अरे तेरी बहन को देखने आया हूँ खटारे। सॉरी बॉस।